राज्यपाल सह झारखंड राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की और उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों पर बधाई दी। राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि यह दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम और समर्पण का प्रतीक है, साथ ही इसमें उनके अभिभावकों, शिक्षकों और समाज का भी योगदान है। यह गर्व का अवसर न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी है। राज्यपाल महोदय ने महान स्वतंत्रता सेनानी सिदो कान्हू के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत माता के इन वीर सपूतों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे हुल क्रांति भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि सिदो कान्हू ने न केवल संथाल जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया, बल्कि उनके इस संघर्ष ने पूरे देश को स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। उनके बलिदान और नेतृत्व से यह सीखने को मिलता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और समाज के अधिकारों की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल महोदय ने कहा कि सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं है, बल्कि यह जनजातीय समाज के संस्कृति, इतिहास और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे सिदो कान्हू के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा का क्षेत्र केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, सहानुभूति और नेतृत्व कौशल का विकास करना भी है। विद्यार्थियों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग न केवल अपनी व्यक्तिगत प्रगति के लिए बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी करें। राज्यपाल महोदय ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दीक्षांत समारोह उनके जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि विद्यार्थी अपने ज्ञान और कौशल के माध्यम से समाज और राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। उन्होंने इस अवसर पर सभी से देश की प्रगति में अपने प्रयासों को समर्पित करने का आह्वान किया। शुभकामनाएं देता हूँ। सफलता के मार्ग में निरंतर आप आगे बढ़ते रहें और अपने कार्यों से समाज को नई दिशा दें। और मैं फिर कहूँगा, आप इस प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे, एक नई पहचान बनाने का काम करेंगे, तो मैं अधिक न बोलते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस विश्वास के साथ कि मेरा आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ है, आप निरंतर तरक्की और प्रगति करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती।